दोस्तों इस वीडियो में मैं इस जुआरिस के गिटार की अनबॉक्सिंग और रिव्यू के साथ साथ आपको बताऊंगा काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको गिटार खरीदने से पहले पता होनी चाहिए, जो कि मुझे भी गिटार खरीदने के बाद में पता चली, और क्या ये गिटार सच में बिगिनर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है या नहीं, ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। और दोस्तों इसकी प्राइस मैं आपको बता दूं तो 2500 के आसपास ये अवेलेबल रहता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर अमेजोन पे, और आपको अगर सेल या फिर कोई ऑफर चल रहा है तो आपको 2000 से कम में भी ये मिल सकता है। तो इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा अमेजोन की। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये बैग हमें मिल जाता है और बैग के अंदर रखी हुई है एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स, और ये पिक हमें मिल जाते हैं गिटार को बजाने के लिए, और यहाँ पे आपको मिल जाता है गिटार का बेल्ट ब्लैक कलर में। और जो ब्लैक कलर का दोस्तों बैग दिया गया है गिटार का, उसकी क्वालिटी जो है काफी सही है, जरा भी प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है मुझे इसमें। तो इसमें आप लोग गिटार अच्छे से कैरी कर सकते हो, कहीं पे भी ले जाना हो तो एकदम सेफली ले जा सकते हो। तो अब मैं फटाफट से गिटार को बाहर निकाल देता हूँ, और दो पॉलीथीन्स है जो अलग अलग, उनके अंदर ये गिटार हमें मिलता है एकदम सेफली रखा हुआ। और दोस्तों ये जो गिटार है डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शंस में अवेलेबल रहता है, और ये मैंने ब्लैक कलर में मंगाया क्योंकि मुझे ब्लैक कलर काफी पसंद है और मोस्ट ऑफ लोगों को ब्लैक कलर ही पसंद होता है। तो यहाँ पे अब फटाफट से गिटार के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंदर की साइड में जो है जुआरिस लिखा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेटल स्ट्रिंग वाला गिटार है। दोस्तों जनरली जो सभी गिटार होते हैं वो 6 स्ट्रिंग वाले ही होते हैं, और ये भी 6 स्ट्रिंग का गिटार है मेटल स्ट्रिंग वाला। मगर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, नायलॉन स्ट्रिंग के भी दोस्तों गिटार होते हैं जो कि बजाने में थोड़े आसान होते हैं, इससे थोड़े इजी होते हैं, मगर वो थोड़े साउंड डिफरेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गिटार भी दोस्तों आते हैं, और कुछ ऐसे गिटार भी आते हैं जो कि आप फोल्ड कर सकते हो, कहीं पे भी ले जा सकते हो, और फिर 12 स्ट्रिंग वाले गिटार भी आते हैं, और आप देख सकते हो कुछ ऐसे गिटार्स भी आते हैं सभी अलग अलग टाइप के। तो जैसा भी गिटार आप बजाना चाहते हो आपको मिल जाएगा, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मगर शुरुआत तो आपको एक बेसिक गिटार से ही करनी पड़ेगी सीखने के लिए, और ये है अपना बेसिक वाला गिटार। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, गिटार लेने के बाद आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि कहीं पे भी क्रैक्स वगैरह तो नहीं है इसके फ्रेम के अंदर, जो जहाँ जहाँ से दोस्तों जॉइंट वगैरह हुए रहते हैं इसके अंदर, वो आपको चेक करना होगा। आपको आवाज़ वगैरह आ जाएगी जैसे आप इस पर टैप करोगे, उससे आपको पता चल जाएगा, और जहाँ जहाँ पे भी ग्लू लगाया हुआ रहता है वहाँ पे आपको चेक करना होगा कहीं से भी ओपन तो नहीं है ये। तो ये वाला मैंने चेक कर लिया है सही से, नेक की साइड से और हर जगह से, तो सभी जगह से ये एकदम परफेक्ट है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हो तो गिटार को आप लोगों को रिप्लेस कर लेना है। और दोस्तों जो नया गिटार होता है उसके अंदर जो स्ट्रिंग्स रहती है वो थोड़ी लूज मिलती है हमें, तो उन्हें हमें टाइट करना होगा बजाने से पहले, और जो स्ट्रिंग्स को टाइट करना होता है उसी को हम ट्यूनिंग कहते हैं। तो टाइट कैसे करना होगा, तो ऊपर जो इसका ट्यूनिंग पैग है दोस्तों गिटार का, तो ट्यूनिंग पैग में आप देख सकते हो स्ट्रिंग्स ऐसे जॉइंट रहती है जहाँ से हम स्ट्रिंग वगैरह को चेंज भी कर सकते हैं अगर टूट वगैरह जाए तो, और यहीं से टाइट और लूज कर सकते हैं हम स्ट्रिंग को। तो एक लेवल होता है दोस्तों ट्यून का, वहाँ पे हमें इसको ले जाना होता है, उतना ही टाइट हमें करना होता है हर स्ट्रिंग को। और यहाँ पे देख लीजिए ये इसका ट्यूनिंग पैग पीछे की साइड से, और दोस्तों इस गिटार का जो फ्रेटबोर्ड है ये भी आप देख सकते हो कुछ ऐसा है। और दोस्तों जो फ्रेटबोर्ड होता है उसी से हम लोग कॉर्ड को प्ले करते हैं डिफरेंट डिफरेंट को, और जो थर्ड सेक्शन होता है मोस्ट ऑफ टाइम वहीं से जो व्हाइट डॉट है शुरू हो जाता है, और जो है फिफ्थ सेवेंथ ऐसे ऐसे करके आगे ट्वेल्थ तक जाता है, आप देख सकते हो ऐसे इस पे भी दिए गए फिफ्थ से दिए गए। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को गिटार का ब्रिज मिलेगा जहाँ पे जो है स्ट्रिंग्स जॉइंट रहती है, और गिटार के ब्रिज की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, चेक करना आपको जरूरी है। और इसमें काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का गिटार का ब्रिज हमें मिल जाता है, और आप देख सकते हो ये गिटार जो है ब्लैक कलर का, इस पर पेंट किया गया है ब्लैक, जो कि वुडन गिटार है उस पर, और काफ़ी सही पेंट किया गया है, काफ़ी शाइनी लुक है देखिए कुछ ऐसा है। और अब हम इसको ट्यून व्यून करके प्ले वगैरह करके भी देख लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। दोस्तों प्ले स्टोर पे काफ़ी सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है जिनकी मदद से आप आसानी से इसको ट्यून वगैरह कर सकते हो, आपको मैं अभी करके बता दूंगा, आप देखिए कुछ ऐसे आपको अंदाजा लग जाएगा। दोस्तों अभी आपको पता चल जाएगा कि गिटार कैसे काम करता है, तो आप माइक्रोफोन को देख सकते हो कैसे वाइब्रेट होके वो हिल रहा है। तो ये जो साउंड बॉक्स होता है दोस्तों अंदर से जो खोखला होता है उसके अंदर जो एयर रहती है जब आप स्ट्रिंग्स को प्ले करते हो तो एयर जो है वाइब्रेट होती है, और इसी से ये भी वाइब्रेट होता है पूरा ऊपर नीचे, और ये देखिए माइक्रोफोन भी वाइब्रेट हो रहा है तो वहीं से जो है आवाज़ भी प्रोड्यूस होती है। तो अभी जो है आप लोग देखिए ऐसे एप्लीकेशन को यूज़ करके ट्यून भी कर सकते हो, जो प्ले करोगे तो एप्लीकेशन आपको बताएगा कि टू लो टू हाई जो आवाज़ है सही आ रही है या नहीं।
और दोस्तों गिटार के बेल्ट को पहन के आप खड़े होके भी गिटार को प्ले कर सकते हो या फिर नॉर्मली आप बैठ के भी गिटार को प्ले कर सकते हो। और अगर आप लोग बिगिनियर हो, फर्स्ट टाइम गिटार प्ले कर रहे हो, तो चश्मा वगैरह पहन के गिटार प्ले कीजिए, क्योंकि स्ट्रिंग्स वगैरह टूटने का भी डर रहता है और बहुत लोगों से मैंने सुना है कि चोट वगैरह लग जाती है स्ट्रिंग अगर टूट जाती है तो चेक करने के लिए आप लोग चश्मा वगैरह पहन के ही प्ले कीजिए। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ और फिर आप बताइए कैसा मैंने प्ले किया। दोस्तों गिटार सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और गिटार सीखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी आपको चाहिए। जैसे दूसरी चीज़ें आप सीखते हो प्रैक्टिस लगा के, तो वैसे ही इसको भी आप सीख सकते हो, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा मुझे तो। और वैसे अभी आप लोग जो सुन रहे थे वो स्पीकर में बज रहा था, मुझे इतना भी बजाना नहीं आता है अभी, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ मैं सीख लूँगा। और जब भी बजाना सीखूँगा तो ज़रूर से एक वीडियो बना के डाल दूँगा, कार्ड्स वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी लिंक मिल जाएगी। तो अभी दोस्तों 2 हफ्ते होने वाले गिटार बजाते हुए मुझे, और मैं बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है ये, इसको सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। और तो अलग अलग जो इसमें नोट्स होते हैं उनको बजाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए, उंगलियों को कैसे रखना है, किस तरह से इसे बजाना है, कैसे स्लो बजाना है, कब फास्ट बजाना है, तो ये सब कुछ सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए एक गिटार चाहिए होगा सबसे पहले। तो यही गिटार है दोस्तों, सही प्राइस पे एक सही पैकेज। और दोस्तों एक बार गिटार सीखने के बाद में आप लोग चाहो तो 2-2.5 लाख रुपए का भी गिटार ले सकते हो दोस्तों, मिलता भी है, आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा। और गिटार के साथ दोस्तों काफ़ी सारी एक्सेसरीज वगैरह होती है, वो भी आप लोग यूज़ करना सीख सकते हो। अगर एक बार दोस्तों कैसे स्ट्रमिंग वगैरह करनी है, कैसे कॉर्ड्स को प्ले करना है, वो सब आप सीख जाते हो प्रैक्टिस के साथ। तो मुझे तो ये गिटार काफ़ी सही लगा, आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको दोस्तों ये गिटार खरीदना है तो आपको अमेजोन की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। दोस्तों कमेंट्स जरूर कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन हो मन में अगर, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा उनके साथ जो कि गिटार लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कर दीजिए कोई भी क्वेश्चन हो इस गिटार के बारे में या और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो आपके मन में कमेंट कर दीजिए, लाल वाला बटन दबाइए नीचे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाओ, सब कुछ जो भी दिया है नीचे सब कुछ दबा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।